नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। दरभंगा जिले में कमला, कोशी, बागमती और अधवारा समूह की नदियों में आए उफान के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वही बाढ़ के कारण जीवित इंसानों से अधिक शवों की दुर्दशा हो रही है। शव जलाने को लोगों को दो गज सूखी जमीन तक नहीं मिल रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शमशान घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे अंतिम संस्कार में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते घर के लोगों ने पानी के बीच चारों तरफ बांस गाड़ कर उस पर बांस का चचरी बनाकर उस पर अनाज रखने का कोठी रख उसमें लकड़ी गोईठा डाल अंतिम संस्कार किया। पिताजी का उम्र 90 वर्ष प्लस था और उनका तबीयत सही नहीं रहते थे। अंतोगत्ता उनका निधन हो गए। यहाँ समस्या खड़ा हुआ अंतिम संस्कार का। यह बाढ़ का मुल्क है, यहाँ पूरा पानी ही पानी है, कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे शमशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। दरअसल मामला कुशेश्वर स्थान प्रखंड के महिसौद गांव में सोमवार को 90 वर्षीय सिवनी यादव की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के साथ ही ग्रामीणों के सामने अंतिम संस्कार की समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि ग्रामीणों ने गांव से सटे शमशान के बीच मझधार में बांस का चचरी बनाया और उसे पानी में खूंटे के सहारे खड़ा किया, फिर उसके ऊपर मिट्टी से बना कोठी के अंदर शव को रखकर उसके ऊपर से लकड़ी रख दिया गया। वही नाव के सहारे शोभा यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि जिसके बाद शव को ग्रामीणों के द्वारा गाजा बाजा के साथ नाव से अंतिम सफर के लिए निकाला गया और नाव से ही शव को लेकर उस जगह पर ग्रामीण जुटे, जिसके बाद शव को मुखाग्नि दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से नाव को शव के चारों तरफ घुमाया गया और नाव पर चढ़े चढ़े ही शव को अग्नि के हवाले कर दिया गया। हर साल आवे छे, 3 महीना 4 महीना रहे छे, बहुत तकलीफ है छे। और कल हमर दादाजी डेड कलखिन, ओकरा जलवे के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओई के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार अच्छी तरह से कलिए और नाव के सहारा हम लोग घर से चल के शमशान तक पहुंच करके बहुत बढ़िया से अंतिम संस्कार को ले लिए। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।